भाजपा हटाओ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप तमाम लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं मुंबई से, मेरा नाम विनय दुबे है। मैं देखना चाहता हूं यहां पे कितने लोग जिंदा हैं। शुरुआत करना चाहूंगा देश के उस नारे से जिससे भगत सिंह जैसे व्यक्ति फांसी चढ़ गए, आपके लिए और मेरे लिए। मैं इंकलाब कहूंगा और जिंदाबाद मुझे सुनना है उन जिंदा लोगों से जो आज भी लड़ने और गलत के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। इंकलाब, शायद कुछ कमी रह गई है, वापस एक बार कोशिश करेंगे। इस बार आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि दिल्ली में बैठे उस गद्दार की कुर्सी हिलनी चाहिए। शाबाश, ये जो ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये हम लोगों को मजबूत रखती है। मैंने दिल्ली में बैठे गद्दार कहा लेकिन नाम नहीं लिया। अब आप तय करिए कि गद्दार कौन है। मैं गद्दार इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि वो अपना संविधान चलाना चाहते हैं और हम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लेके चलने वाले लोग हैं, जिसमें सीधा सीधा लिखा है देश का हर इंसान इस मिट्टी का है और इसी मिट्टी से मोहब्बत करता है, उसका ये हक कोई गद्दार छीन नहीं सकता, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आज किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हम पूरा देश जा रहे हैं और तमाम किसानों को ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर आज आप घर में बैठेंगे तो कल का आपका बच्चा जो है हाथ में कटोरा लेके इसी सड़क पर भीख मांगेगा, अगर आप आज अपनी फसल के लिए, अपने अनाज के लिए आप आवाज ना उठा पाए तो। अभी दो दिन पहले ही मैं जमानत पे छूटा हूँ, दो दिन पहले ही मैं जमानत पे बाहर आया हूँ। मुझ पे जिसने केस लिया उसका नाम है गौतम अडानी। मेरी लड़ाई अब नरेंद्र मोदी जी के पापा से है, सीधे सीधे गुजरात के अहमदाबाद में गौतम अडानी की छाती पे चढ़कर वहां से जमानत लेके आज आप लोगों के बीच में हूँ। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसकी तिजोरी में बंद आपके अनाज की सवाल पूछ लिया था कि आखिर क्यों ऐसा, सिर्फ उस सवाल पे वहां पर जेल हो जाती है। तो ये इस समय के हालात हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। अगर आप गलती से अगर मुसलमान निकल गए तो आप छूट नहीं पाएंगे। मैं दुबे था, शायद इसी वजह से मैं आज बाहर भी आ गया। और जिस तरह से ये नफरतबाज आज एक दूसरे को बांटने के लिए लगे हुए हैं, मैं जाता हूं हर जगह, लोग पूछते हैं कि विनय भाई आप इतना मुसलमानों का तरफदारी क्यों करते हैं, क्यों मुसलमानों से आपको इतना लगाव है। मेरा जो बचपन बीता है, मैं जिस वातावरण में रहा हूं, मुझे 2017-18 से पहले ये नहीं पता था कि मैं जिसकी टिफिन में खाना खाया वो अब्दुल है, वो एक मुसलमान है। मेरी पैदाइश उस हिसाब से हुई है। मेरे परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम ये नफरत और हिंदू और मुसलमान का बीज मेरे मन में नहीं भरा। और मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है, कल को मेरी जब बच्चियां बड़ी होंगी उनको ये सब ना झेलना पड़े कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि विनय भाई ये अपने देश के नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं है तो आपका कैसा होगा। मैं सिर्फ उनको एक चीज कहता हूँ, बहुत गंभीरता से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ। विवादित हो सकता है लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि ये जो मुसलमान होता है वो किसी का वफादार नहीं है, वो आपका साथ नहीं देगा, जो अपने कौम का साथ नहीं देता वो विनय दुबे का साथ क्या देगा। बहुत गंभीर सवाल होता है, इसमें मेरा जवाब एक ही होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक मुसलमान अपने देश से प्यार नहीं करता। जो मुसलमान दिन में 5 बार नमाज के वक्त यही मिट्टी चूमता है वो कैसे वो गद्दारी कर सकता है। दिन में 5 बार वो मुसलमान इस मिट्टी को चूमता है और यहाँ तक उसका प्यार खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन हो जाता है। जिसका हड्डी तक इस मिट्टी के लिए बनी है उसे आप कैसे कह सकते हो कि वफादार नहीं है। और जो ये सीख देते हैं वो 2 कौड़ी में बिक जाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के सत्ता में बैठे हुए हैं।
तो ये हकीकत है। आज पूरे देश के अंदर जो नफरत पैदा की जा रही है, हम जैसे कुछ हिंदू भाई हैं जो नहीं चाहते देश का बंटवारा हो वापस से, और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो देश है आज 1935 में चल रहा है, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक इसी तरह से शासन तानाशाही चलाई जाती थी। आपको पता है इतनी सारी चीजें बेची क्यों जा रही है? एयरपोर्ट क्या हुआ, बेच दिया गया कि नहीं बेचा गया? बेचा कि नहीं बेचा? अस्पताल बिके कि नहीं बिके? एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? क्यों बिका पता है? क्योंकि अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे ना, तो उन्होंने सारा देश का कीमती सामान, सोना चांदी पैसा सब इंग्लैंड पहुंचा दिया, क्योंकि उनको पता था कि हमारा पतन नजदीक है, हमें वापस मौका नहीं मिलेगा राज करने का। इसकी वजह से पूरा देश खाली कर दिया, भारत खाली कर दिया, और हमें 70 से 80 साल लग गए उस बर्बाद भारत से एक संपन्न भारत बनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दिया है ना, वो फड़फड़ा रहा है इसी के लिए, क्योंकि अब वो बुझने के करीब में है, और बहुत जल्द आपकी और हमारी मेहनत की वजह से ये जो है सत्ता से बाहर जाएंगे। और लगातार ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम जैसे लोग जेलों में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? मेरा भी परिवार है, मेरी भी बेटियां हैं, मेरा भी दादी है, दादा है, सब है, मेरा संपन्न परिवार है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। मुझे क्या पड़ा है कि जेल के उस काट को कोठरी में जाके मैं पढ़ता हूँ? सिर्फ एक ही सी तमन्ना रहती है कि मेरी जो बेटियां हैं या आने वाला जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इनका क्या होगा अगर हम आज चूक हो गए तो? तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि एक साथ मिलकर हमें आवाज उठाना है। और आप एक चीज मान के रखिए, कल को अगर सही में सरकार तानाशाही आई और गोली चलाने का नंबर दे दिया, आदेश दे दिया, तो सबसे पहले हमारी छाती आगे होगी, उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा, तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, उसके बाद आप लोगों का नंबर होगा, क्योंकि हमने इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा खून में है वो हम कभी बदलने नहीं देंगे। हम इन जैसे गद्दारों के जैसे पार्टियां नहीं बदलते कि सुबह तक कांग्रेस में थे, रात में भाजपा में है, पता चला जेडीयू भी पकड़ ली गई। और गद्दारी हमसे पूछते हैं कि विनय जी आप देशद्रोही हैं। शाहीन बाग में जाता था तो वहां पे लोग कहते थे कि यहाँ पे सब गद्दार देशद्रोही लोग बैठे हैं, यहाँ बिरयानी बिक रही बट रही है, इसकी वजह से औरतें आती हैं। आप सोचिए, बिरयानी एक ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए तो छूटती नहीं है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिरयानी एक ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए तो छूटती नहीं है। जो आदमी बिरयानी का अजीज होता है वो पहले सबसे दौड़ेगा। अगर शाहीन बाग में बिरयानी बट रही होती तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले वहां पे पहुंचते, क्योंकि जो आदमी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकता है वो भी जहाज उड़ता हुआ जहाज रुकवा के वहां पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खा सकता है वो शाहीन बाग सबसे पहले आता है। वो इसी के लिए आज तक नहीं आए क्योंकि वहां बिरयानी उनको नहीं पूछी गई। हमने तो बकायदा पत्र लिखा था और उसके ऊपर दिल्ली में एक और FIR दर्ज हो गई कि आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। मैंने तो उनसे कहा था कि सर आइए, आप बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं जो हमारा दुश्मन देश है, तो आपके बगल में ठीक 18 किलोमीटर में शाहीन बाग है, हम आपको एकदम बढ़िया सा पूरे घी में डूबा हुआ बिरयानी खिलाएंगे, आप आइए तो सही। ये उनको अपमानजनक लग गया, उस बात पे मैं देशद्रोही हो गया। और जो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा जाए वो देशभक्त बन के घूम रहे हैं। आज अगर मैं पाकिस्तान की वाहवाही कर दूं तो कल मुझ पे रासुका लग जाएगा और मैं जेल में बंद हो जाऊंगा। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो बिहार का टीका था, वैक्सीन था, उसे पाकिस्तान भेज दिया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि सबसे पहला टीका जो है बिहार के जनता को लगाया जाएगा, वो भी निशुल्क। वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन अब कौन पूछने जाएगा उनको कि भैया ये आपका पाकिस्तान का प्यार क्या है कि वहां पे आप टीका सारा जो हमारे आम जनता का उसको भेज दिया है? मंच की गरिमा होती है, नहीं तो बहुत सुंदर शब्दों में मैं नवाजता था, लेकिन अब अजान का समय हो रहा है, मेरी भी मोहब्बत है। और जो लोग भी ये मानते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं सहमत हूं, बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार की औकात आसिफ को पानी पिलाने की नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे हैं, ये बहुत दूर की बात है। मैं तमाम आप लोगों से निवेदन करूंगा, किसानों को जगाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज हम चुप रह गए तो कल को हमारे बच्चों के हाथों में वही कटोरा आएगा जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में 35 साल तक था।
जय हिंद जय महाराष्ट्र। विनय भाई महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, सब चारों तरफ जो है शुक्रिया उनका। मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का शुक्रिया कहूंगा, खासतौर पे मेरी माँ बहनें वहाँ पे हैं, माताएं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वहाँ पे हमारे पुलिस दल के लोग हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और तमाम मेरे बुजुर्ग दादाओं का, आप लोगों का हाथ इसी तरह हमारे सर पे रहे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं रखूंगा, ये वादा करके जाता हूँ, धन्यवाद। एक बात हमारे सुनते हुए जाइए बस, जो भी अभी हमसे पहले जो एक हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे, कहानी सुनाए फिर और फूर रखा, कोई बात कही अगर मिल जाए कहे कि हम देश को आगे ले जाएंगे तो उससे कहिए फिर, वो कहे कि हम हिंदुस्तान को बताएंगे फिर आप कहिए फिर, उससे कहिए कि हम देश को बहुत बुलंदी लगाएंगे फिर आप उनसे पूछिए फिर, यकीन मानिए इस फिर फिर के चक्कर में ये वाजपेयी जो है फूर हो जाएंगे, बस इतने काम करना है। इनसे ज्यादा भी पीछे मत हटिए, आमना सामना करना है, इसलिए हम और विनय दुबे भाई आपके बीच में आए हैं, आपकी ताकत की जरूरत है, ललकारना है इन गद्दारों को, पीछे का कारना।